अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं अब्दुलरज़ाक। मैम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स पढ़े हैं और आज इसका लास्ट लेक्चर है जिसके अंदर हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2.4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 13 मीटर पर सेकेंड। तो भाई जब अपवर्ड जा रही है तो अपवर्ड जाते हुए इसने स्लो होना है, तो स्लो होने के बाद जो है वो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो हमें क्या लिखनी है, वो लिखनी है माइनस जी इक्वल दैट मीन माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी एक्सेलरेशन है। इट टेक्स 3 सेकेंड्स टू रीच द हाइट, तो टाइम अप कितना है वह है 3 सेकेंड्स। तो ये बात आप नोट कीजिए कि टी डाउन भी इतना ही होगा, ठीक है, वो भी 3 सेकेंड ही होगा। 3 सेकेंड अगर ऊपर जाने में लगते हैं तो 3 सेकेंड नीचे आने में भी लगेंगे। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, how long it will take to return to the ground. So required है कि पहली बात आप ये बताइए कि उसने height कितनी reach करनी है। required है height h और इसके अलावा total time, ये find out करना, ठीक है जी। तो कैसे solve करेंगे, आप height find करनी है, या तो first equation लगाइए या लगाइए second equation। तो first equation करिए, या लगाइए second equation या लगाइए third equation। तो second equation क्या है, वो है vi t plus 1 over 2 at scale। तमाम values given है तो solve कर लीजिए। VI की वैल्यू 30 है, टाइम कितना है 3 सेकंड्स प्लस 1 ओवर 2 इनटू माइनस 10 इनटू 3 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 90 और ये बन जाएगा 45। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 45 मीटर। इसके अलावा जब आपने टाइम टोटल फाइंड आउट करना है तो वो किस तरह से आएगा, वो आएगा टाइम अप व्हाइल टाइम डाउन, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लें तो 3 सेकंड प्लस 3 सेकंड आंसर कितना होगा, ये होगा 6 सेकंड, ठीक है। वैसे अगर आपने टी डाउन निकालना है तो आप किसी फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि आप अगर कहिए कि देखिए, अब अगर ऑब्जेक्ट डाउन आ रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर गया था तो यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, तो जीरो थी, और फाइनल कितनी थी, फाइनल थी 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 30 यहाँ पे थी, जीरो यहाँ पे थी। तो जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी और फाइनल कितनी होगी, फाइनल होगी 30। तो वी एस इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी से टी निकाल सकते हैं। वो कहते हैं कि वी एफ माइनस वी आई ओवर ए इज इक्वल टू टी लिखेंगे। तो भाई हमने क्या लिखना है, 30 माइनस 0 ओवर 10, तो क्या आंसर आएगा, 3 सेकंड आएगा। तो यहाँ से भी आप टाइम निकाल के नीचे आने का टाइम लिख सकते हो और उसके बाद ऐड करके टोटल टाइम निकाल सकते हो। चलिए जी, न्यूमेरिकल 2.5। न्यूमेरिकल 2.5 क्या है, क्वेश्चन है, अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। सो ये वेलोसिटी है फॉर 5 सेकंड, कितनी देर के लिए, 5 सेकंड के लिए। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और ये इंटरवल नंबर कौन सा, ये इंटरवल नंबर 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ क्योंकि ये पहला केस है। उसके बाद है इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड। तो भाई अगले इंटरवल में क्या है, अगले इंटरवल के शुरू में जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो है 40 मीटर पर सेकंड, और उसके अंदर जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, वो है 0 मीटर पर सेकंड, और इस दौरान टाइम कितना गुजरा है, टाइम गुजरा है 10 सेकंड का, ठीक है। तो टी फाइंड आउट करना है हमने, ये फाइंड आउट टाइम गुजरा है 10 सेकंड का, सॉरी टाइम कितना गुजरा है 10 सेकंड का। तो ये जो डेटा है ये क्या है, ये है इंटरवल नंबर 2 के लिए डेटा। पहले गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रही है 5 सेकंड तक, अब वो 10 सेकंड में रुक रही है, तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड डिसेलरेशन एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। सो रिक्वायर्ड है डिसेलरेशन ये फाइंड आउट करनी है और इसके अलावा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार फाइंड करना। तो कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला लिख लीजिए कि एक्सेलरेशन जो है वो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी होती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ बनाया गया फार्मूला है। तो वी एफ 0 है, ये 40 है, और टाइम कितना है, टाइम है 10। सो आंसर कितना है, ये आया माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, तो भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड में पहले तो सारी बात है, ये जो इक्वेशन है वी आई टी प्लस 1 ओवर 2 ए टी स्क्वायर, इसमें अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो चूंकि पहले इंटरवल में, इंटरवल नंबर 1 में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। हमारे पास एस 1 की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी वी टी, इनिशियल भी नहीं कहना, फाइनल भी नहीं कहना, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है। और उसके बाद जो नेक्स्ट इंटरवल है उसके अंदर चूंकि गाड़ी की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, तो इसलिए अब मैं यहाँ पे एस 2 के लिए लिखूंगा वी आई टी प्लस 1 ओवर 2 ए टी स्क्वायर, क्योंकि अब हमारे पास टाइम भी मौजूद है। तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, उसके लिए मैं इन दोनों को ऐड करूंगा। दैट मीन्स ये बनेगा एस इज इक्वल टू एस 1 प्लस एस 2, दैट मीन्स वी टी प्लस वी आई टी प्लस 1 ओवर 2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये जो ये वाली वैल्यू है ये इंटरवल नंबर 1 के लिए है, और ये वाली वैल्यू इंटरवल नंबर 2 के लिए है। उसमें वैल्यूज पुट कीजिए, क्या बनेगा,
40 into 5 plus 40 into time कितना है, time 10 second का है, plus 1 over 2, acceleration कितनी है, वो है minus 4 की, और time again कितना है, time है 10 second, तो 10 का square लिखेंगे यहाँ पे, इस हिसाब से आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा 200 plus ये कितना बना 400 और plus minus हो जाएगा, कितना क्या बनेगा 2 into 100, तो ये कितना बनेगा 200, ये 200 plus वाला minus से कट जाएगा, और total distance travel कितना आएगा, वो आएगा 400 मीटर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए। अच्छा जी क्वेश्चन है, अ टेनिस बॉल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, a train starts from rest with an acceleration, vi कितनी है, वो है 0, और acceleration कितनी है, वो है 0.5 meter per second square, find its speed in kilometer when it has moved through a distance of 300 meter, जब ये 100 meter के का फासला तय कर लेगी, तो बताइए इस वक्त इसकी final velocity कितनी है, vf find करना है, तो कैसे find करना है, third equation use कर लीजिए, तो तमाम हमने third equation वाली, ये बनेगा 2af equal to vf square minus vi square, तो अगर आपने यहाँ पे vf square निकालना है तो वो बनेगा vi square plus 2as, और vf निकालना है तो क्या बनेगा, vi square plus 2as under root, so ये बन जाएगा 0 का square plus 2 into 1 over 2 0.5 into 100 और इसका under root, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 100 का under root, that is 10 meter पर सेकेंड। अब आप लोग जानते हो कि अगर आंसर 10 मीटर पर सेकेंड है तो एक मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, एक मीटर के अंदर 10 की पावर माइनस 3 किलोमीटर होते हैं, और एक सेकेंड में कितने घंटे होते हैं, एक सेकेंड में 1 ओवर 3600 आवर्स होते हैं, एक घंटे का 1 ओवर 360 100 पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, वो एक सेकेंड कहलाता है, तो इस हिसाब से ये क्या बनेगा, ये बनेगा वी एफ इज इक्वल टू, ये ऊपर आ जाएगा 3600 और साथ है 10 और साथ है 10 की पावर माइनस 3, और आंसर किस में है, वो है किलोमीटर पर आवर में, अब ये 10 की पावर माइनस 2 बचेगा, दो जीरो उड़ जाएंगे, और फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी, वो आएगी 36 किलोमीटर पर आवर। Numerical 2.7 क्वेश्चन है, a train starts from rest accelerates uniformly and attains the final velocity of 48 kilometer per hour, जिसका मतलब हुआ 48 kilometer over hour, that means 48 into 1000 meter over 3600 second, ठीक है, तो इसमें ये जीरो से उठ जाएंगे, क्या बनेगा, ये यहाँ पे आएगा 12 4s are और यहाँ आएगा 12 3s are, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 40 over 3 meter per second, या फिर ये बनेगा 13.33 meters per second, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर होगा। अच्छा जी, in 2 minutes time कितना है, time है 2 minutes, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 into 60 या फिर 120 seconds. It travels for this speed for 5 minutes. ठीक है? अब ये वाला जो interval है ना, ये interval हमारा interval number 1 है, तो मैं यहाँ पे जगह ऊपर ना इसके साथ इस तरह से bracket डाल के इधर क्या लिख लेता हूँ, इधर मैं लिख लेता हूँ कि ये सारा interval number 1 है. अब train इस speed v is equal to 13.33 meter per second से क्या करेगी? इस speed से ये 5 minutes के लिए चलेगी. कितने minutes के लिए? 5 minutes के लिए, या फिर मैं कहता हूँ कि 300 सेकंड के लिए, 5 into 60 कितना होता है, वो 300 सेकंड होता है। Finally it stops and moves with uniform retardation and it stops after 3 minutes. तो भाई अब हमारे पास ये interval number 2 था, अब मैं interval number 3 की बात करता हूँ। Interval number 3 में train की initial velocity 13.33 meter per second है और final velocity कितनी है, वो है 0 meter per second, ठीक है?
और इस दौरान टाइम कितना गुजरा, टाइम गुजरा 3 मिनट्स या फिर 180 सेकेंड। सो ये इंटरवल नंबर 3 है, इसके लिए डेटा अलग से आएगा। अब पूछा क्या हुआ है, फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। सो रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है कि कार ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है। अब मैं फॉर्मूला बनाने के बजाय अलग अलग S1, S2, S3 निकाल के ऐड कर लेता हूँ। भाई S1 क्या है, S1 फाइंड आउट करना है तो क्या करें, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालिए इंटरवल नंबर 1 के लिए, ठीक है। इंटरवल 1 की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ हेडिंग भी दे सकते हैं इंटरवल नंबर 1 ये बनाने के बजाय, फिर यहाँ इंटरवल नंबर 2, यहाँ पे इंटरवल नंबर 3। तो भाई एक्सेलरेशन निकालनी है तो वो कैसे आएगी, Vf - Vi/t। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 13.33 - 0/120। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि एक्सेलरेशन है 13.33/120 m/s², क्योंकि अभी कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है। बहरहाल अब मुझे ये मिल गया, अब मैं यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकता हूँ और S1 क्या आएगा, S1 आएगा Vi t + 1/2 a t². तो S1 इज Vi कितनी है, Vi की वैल्यू है 0 + 1/2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 13.33/120 और साथ t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है 120 का स्क्वेयर। तो नतीजा क्या होगा कि ये स्क्वेयर से कट जाएगा और S1 कितना आएगा, S1 आएगा 13.33 × 120/2, दैट मीन्स × 60। इतने मीटर का फासला आएगा। अब S1 की क्या वैल्यू है वो अभी मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, इतने मीटर का इसका आंसर आएगा। तो जो भी वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई करना है तो वो आपने यहाँ पे लिखनी है। अब क्या है, अब आपने फाइंड करना है S2, और S2 के लिए जारी बात है Vt का फॉर्मूला यूज करोगे क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर मैं एक्सेलरेशन लिखता हूँ तो एक्सेलरेशन तो उस इंटरवल में 0 है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो ये बन जाएगा 13.33 × 300, ठीक है। तो ये बन जाएगा 133 × 3। तो बहरहाल कितने मीटर का फासला बनेगा, अब ये जो भी फासला बनता है वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, खाली जगह छोड़ रहा हूँ। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है S3। S3 के लिए फिर से मैं यही फार्मूला लगाऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी मुझे पहले एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए लिखता हूँ इंटरवल नंबर, ये इंटरवल 2 था और ये क्या है, ये है इंटरवल 3। इंटरवल 3 के लिए एक्सेलरेशन निकालूंगा तो क्या बनेगा, वही Vf - Vi/t। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 0 - 13.33 और टाइम कितना है, टाइम है 180। तो एक्सेलरेशन का जो भी आंसर आ रहा है वैसे लिखा रहने दे रहा हूँ, 13.33/180 m/s². आप इसे डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट भी कर सकते हो। अब आप यहाँ पे S3 फाइंड आउट कीजिए, S3 कैसे आएगा, S3 आएगा टाइम कितना है, टाइम है 180 और प्लस है, प्लस के बाद 1/2 है, a की वैल्यू है -13.33/180 और साथ c की वैल्यू कितनी है, वो है 180 का स्क्वेयर। तो ये इससे कट जाएगा, S3 क्या बनेगा, ये बनेगा 13.33 × 180 -13.33 × 90। तो इसको आप कर लेंगे तो इसमें से अगर आप 13.33 कॉमन निकालेंगे तो आंसर क्या होगा, 13.33 - 90, ये आंसर बनेगा। अब इसका भी जो भी आंसर आता है तो मैं यह जगह खाली छोड़ रहा हूँ। अगर आपने S टोटल फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपने S1, S2 और S3 को ऐड कर देना है, इन सब वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 6000 m का। अब इसको सॉल्व करने का एक और तरीकाकार भी है, वो है डायग्रामेटिकली। आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक ग्राफ बनाइए, ग्राफ में कहिए कि यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे 13.33 m/s की वेलोसिटी है, और यहाँ पे बता दीजिए कि इस तरफ हम वेलोसिटी ले रहे हैं मीटर पर सेकंड के अंदर, और यहाँ पे टाइम ले रहे हैं और टाइम क्या है, टाइम सेकंड के अंदर है। अब इनिशियल इंटरवल के अंदर ऑब्जेक्ट 2 मिनट में ये वेलोसिटी गेन करता है, तो भाई आप यहाँ पे एक लाइन लगाइए और इधर लिख दीजिए कि इस जगह के ऊपर 2 मिनट या फिर 120 सेकंड गुजर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आप कहिए कि चूंकि इसने आगे 5 मिनट तक स्ट्रेट लाइन से चलना है तो 300 + 120 = 420 होता है, तो ये लाइन इस तरह से आएगी और यहाँ पे जिस जगह के ऊपर 420 सेकंड लिखा हुआ है इसमें ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन क्या होगी, वो 300 सेकंड की होगी। तो उसके बाद वो डिक्रीज करना शुरू करेगी और यहाँ पे आके 0 हो जाएगी, जहाँ पे मजीद 180 सेकंड, दैट मीन्स यहाँ पे 600 सेकंड टोटल पास हो चुके होंगे और जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन 180 सेकंड की होगी। अब आप इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट कर लें तो भाई ये क्या बनेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 120
into 13.33, ये कर लीजिए. उसके बाद यहाँ पे जो है वो फार्मूला लगाइए, किसका यहाँ पे फार्मूला लगा लीजिए रेक्टेंगल का. तो वो क्या होगा, वो होगा लेंथ इंटू विड्थ, दैट मीन 13.33 इंटू 300. और इसके अलावा यहाँ पे क्या कीजिए, इसका फार्मूला लिखिए प्लस 1/2. बेस कितनी है, बेस है 180 और हाइट कितनी है, वो है 13.33. तो इस हिसाब से इसको सॉल्व कर लें, यहाँ से भी आंसर 6000 मीटर आएगा. और अगर ट्रिपीजियम का फार्मूला लगाते हैं कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स में एक साइड 300 की है और दूसरी कितनी है, वो है 600 सेकंड्स की, और उनके दरमियान में डिस्टेंस 13.33 मीटर का है, तो भाई 6000 मीटर यहाँ से भी आंसर आएगा. तो तीन तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने. Numerical 2.8 क्वेश्चन है, अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड आफ्टर 6 सेकंड्स. तो भाई टी टोटल कितना है, टी टोटल है 6 सेकंड. तो इसका मतलब ये हुआ कि टी अप ऊपर जाने का टाइम कितना हुआ, वो हुआ टी टोटल डिवाइडेड बाय 2, वो हुआ 3 सेकंड्स. और टी डाउन वो कितना हुआ, वो भी 3 सेकंड हुआ. ठीक है, तो ये हमने बात कर ली. कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट जो इसने रीच करनी है. सो रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम हाइट h. तो भाई जाहिर बात है, ऊपर की बात है, तो छोटे ऑब्जेक्ट में स्लो डाउन होना है, इसलिए एक्सेलरेशन माइनस में होगी और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी. एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, तो जाहिर बात है इनिशियल वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है, वो भी ऊपर जाने के लिए ही फाइंड आउट करनी है. तो इस हिसाब से मुझे इस जगह के ऊपर ये लिखना पड़ेगा. और कोई भी ऑब्जेक्ट जब टॉप पे जाता है, तो टॉप पे जाते हुए उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 मीटर पर सेकंड हो जाती है. ठीक है, सो हमारे पास सॉल्व करना है इसको. सबसे पहले तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए देखिए कि क्या VIT प्लस 1/2 AT² लग सकता है, क्योंकि आपको टाइम भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है और एक्सेलरेशन भी गिवन है. तो आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो हाइट की वैल्यू. फाइंड आउट करने के लिए इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अच्छा, इनिशियल फाइंड आउट करनी है आपने भी, तो पहले इनिशियल फाइंड आउट कीजिए. वो कैसे फाइंड आउट होगी, वो फाइंड आउट करने के लिए आप लिख लीजिए VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, या फिर VF माइनस AT इज इक्वल टू VI. वैल्यूज पुट कीजिए, VI इज इक्वल टू 0 माइनस 10 इंटू 3. तो क्या आंसर हुआ, ये हुआ 30 मीटर पर सेकंड का. ठीक है, सो इस तरीके से हमारी आ गई इनिशियल वेलोसिटी. अब आपने हाइट का फॉर्मूला लगा देना है, और वो फॉर्मूला क्या है, वो है H इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT². तो भाई 30 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू माइनस 10 इंटू 3 का स्क्वायर, that means 90 or minus 45, that means height is again 45 meters. So numerical ab hai 2.9 given data. Question kya hai, question hai when brakes are applied the speed of train decreases from 96 to 48 km per hour in 800 seconds. Theek hai, so bhai sabse pehle to aapko initial velocity given hai aur wo hai 96 km per hour, that means 96 किलोमीटर ओवर आर, दैट मीन्स 96 इंटू 1000 ओवर 3600 मीटर पर सेकंड बन जाएगा. ठीक है, सो इसको इससे काट देते हैं. अब ये क्या बनेगा, ये क्या कटता है, हाँ जी 6 से कट रहा है, तो ये बनेगा 1 और आगे 16 ओवर, ये कितना बनेगा 6, दैट मीन्स 8 ओवर 3. ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है, क्या 6, 9 over 6. अच्छा, ये बन रहा है 160 over 6, या फिर 80 over 3, या फिर ये क्या बनी, ये वैल्यू बन गई है 2 और आगे 20 रिमाइंडर है, तो 6 और फिर 6-7 मीटर पर सेकेंड. ये हमारे पास आंसर होगा इसका इनिशियल वेलोसिटी का. और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, वो है 48 किलोमीटर पर आर, दैट मीन्स 48 किलोमीटर ओवर आर, या फिर 48 इंटू 1000 मीटर ओवर 3600 सेकंड्स. तो इसमें भी ये जीरो कटेंगे और ये बनेगा, सिक्स से काटें तो क्या बनता है, सिक्स से कटता है, सिक्स एट बार,
और ये 6,000, तो क्या बनता है, बनता है 80 ओवर 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दैट मीन ये क्या बनता है 40 ओवर 3 मीटर पर सेकेंड, या फिर ये कितनी बनेगी, ये बनेगी इसका भी हाफ 13.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये फाइनल वेलोसिटी निकाली है हमने, हाउ मच और डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 800 मीटर का, ठीक है। और ये सारी बातें किसकी हैं, इस सारी बातों से ऊपर यहाँ पे हेडिंग डाल लेना इंटरवल वन, इंटरवल वन की हेडिंग डाल लेना। अच्छा जी, उसके बाद आगे कहते हैं हाउ मच फर्दर विल ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट अज्यूमिंग रिटार्डेशन टू बी कॉन्स्टेंट। अब हमारे पास इंटरवल टू है और इंटरवल टू के अंदर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है आपकी कितनी 13.33 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन वही है जो कि इस इंटरवल में से हम निकालेंगे, और पूछा ये हुआ कि ऑब्जेक्ट मजीद डिस्टेंस कितना तय करेगा, ठीक है। तो ये एस वन लिख रहा हूं मैं इसको, और यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है एस टू, आगे मजीद कितना फासला तय होगा। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालिए, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे आप, उसके लिए यूज कीजिए 2as = vf² - vi², या फिर a निकालिए vf² - vi² / 2s². सो a क्या बनेगा, a बन जाएगा इस जगह के ऊपर 13.33 का स्केयर -26.67 स्क्वायर ओवर 2 × 800। यहाँ से एक्सेलरेशन का आंसर आएगा, जो भी आंसर आए वो आपने यहाँ पे लिख देना है, वो होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर, ठीक है जी। बहरहाल अब यही ए वन है, यही ए टू है, क्योंकि उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। तो अब अगर एक्सेलरेशन इतनी है तो बताइए कि मजीद रुकने से पहले कितना फासला तय करेगी। जारी बात है इस इंटरवल नंबर टू में इनिशियल वेलोसिटी इतनी है और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो फिर से आप यही इक्वेशन लगाइए, ये वाली, तो फॉर इंटरवल टू, फॉर इंटरवल टू, इससे पहले लिख लीजिए फॉर इंटरवल वन। अब आप यहाँ पे लिखिए 2as = vf² - vi², ठीक है, या फिर s निकालना है, इसे s2 कह रहा हूं हमने, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा vf² - vi² / 2a। यहां से आप S2 निकालिए, तो भाई S2 कितना बनेगा, ये बन जाएगा Vf स्केयर कितना है 0 स्केयर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 13.33 का स्केयर, और 2 × a, a का आंसर वही लिखना है जो आप यहां से निकालोगे। तो इससे S2 का आंसर कितना होगा, वो आएगा 266.67 मीटर या 66 मीटर। फिर है न्यूमेरिकल 2.10, न्यूमेरिकल 2.10 है, क्वेश्चन है इन अबव प्रॉब्लम फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। तो दैट मीन्स आपने क्या करना है, सारा गिवन डेटा यही वाला है, दैट मीन्स आपकी ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी है इंटरवल नंबर टू वाली है 13.33 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आप यहां से निकाल चुके हो, जो मैंने आपको कहा है कि इस जगह से निकालनी है आपने, वो निकाल चुके हो, और आपने क्या करना है, आपने टाइम फाइंड आउट करना है। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है टाइम सारी बात है T2 कहेंगे अगर आप उस इंटरवल के हिसाब से लिखेंगे, और फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लीजिए vf - vi, vf = vi + at, या फिर t = vf - vi/a। तो भाई यहाँ पे आप लिखेंगे t = 0 - 13.33 ओवर एक्सेलरेशन का जो भी आपने आंसर निकाला है वो यहाँ से लिखिए, तो इससे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 80 सेकंड्स का। यहाँ तक अगर कंफ्यूजन है तो पूछिए, अदरवाइज लेक्चर वाइंड अप करने लगा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन आपकी आवाज कट गई है, दोबारा पूछो। आशिम आपकी आवाज कट गई है, दोबारा कहो।
No, sir, no question. Okay, जी. Next lecture में मिलते हैं. फिलहाल के लिए इतना ही था. खुदा हाफिज़. अल्लाह हाफिज़, sir.